नमस्कार, मैं रजनीकांत रावल। आप मुझे सुन रहे हैं गुजरात पत्रिका .com पर। आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज द्वारा उद्बोधित प्रबुद्ध प्रबोधन। ज्योतिर्मय संतान, स्मरण रखिए कि इसी वर्तमान अवधि में ही आप अपना भविष्य बना रहे हैं। आपके जीवन के प्रथम सोपान का, विद्याध्ययन काल का यह अद्भुत समय उसी प्रकार से है जैसे कुम्हार के हाथ में मुलायम गीली मिट्टी। कुम्हार उसे कुशलता पूर्वक मनोवांछित उचित स्वरूप और आकार देता है। इसी प्रकार आप भी अपने जीवन को, अपने चरित्र को, शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति को, अर्थात अपने समस्त स्वभाव को जिस प्रकार आप चाहते हैं उस प्रकार ढाल सकते हैं और इसे आप अभी कर डालिए। इस महान कर्तव्य को समझिए और स्वयं को ढालने के इस अद्भुत अधिकार का अनुभव कीजिए। इसमें साहस पूर्वक जुट जाइए। ईश्वर की कृपा वृष्टि आप पर है। वह सदैव आपकी सहायता तथा पथ प्रदर्शन करने को तैयार हैं। संसार को आपसे आशाएं हैं, आपके अग्रज भी आपसे आशा रखते हैं। आप स्वयं में दृढ़ आस्था रखते हुए अपने आशापूर्ण निश्चय, संकल्प और सत उद्देश्यों को आत्मसंस्कार के सुंदर कार्य में लगा दें। इसके द्वारा सचमुच ही आपको परम संतोष और परिपूर्णता मिलेगी। केवल आपको ही नहीं प्रत्युत उनको भी जो इसके आकांक्षी होंगे। अपने जीवन को आकार देना वास्तव में आपके ही हाथ में है। धर्माचरण करें, धर्म में निरंतर संलग्न रहें, धर्मनिष्ठ रहें, सदैव धर्म के साकार रूप बनकर उद्भासित रहें, अच्छाई को अपना अंग बना लें। युवावस्था इस महान प्रक्रिया के लिए ही है। विद्यार्थी जीवन इस प्रक्रिया का सक्रिय विकास और पूर्ति है। आपके समय की यह अवधि जीवन की महत्वपूर्ण और अपरिहार्य इस प्रक्रिया के लिए पूर्ण अनुकूलन और उपयुक्त क्षेत्र उपस्थित करती है। शिक्षार्थी जीवन का यही विशेष महत्व और यही परम मूल्य है। यह दिव्य व्यक्तित्व के विकास का प्रतीक है। यही आत्मविकास है, यही आत्मनिर्माण है। सफल जीवन के भाव और अर्थ को समझने का प्रयत्न करें। जब सफलता की बात जीवन के संदर्भ में करते हैं तो इसका आशय यह नहीं है कि आप जो कुछ करें सब में सफलता पाएं और
न सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाना या वस्तुओं का प्राप्त कर लेना ही इसका अर्थ है। यश या पद पा लेने अथवा अधुनातन सभी प्रकार के फैशनों का अनुकरण करते हुए स्वयं को अति आधुनिक दिखाना भी इसका आशय नहीं है। वास्तविक सफलता का सार है कि आप अपने को कैसा बनाते हैं। यह जीवन का वह आचरण है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। यह चरित्र है जिसे आप निर्मित करते हैं और तद अनुरूप आप बन जाते हैं। सफल जीवन यापन का यही केंद्रीय अर्थ है। अतः आप देखेंगे कि यह आवश्यक तथ्य जीवन में सफलता पाने का प्रश्न उतना नहीं है जितना जीवन को सफल बनाने का है। ऐसा सफल जीवन वही है जो आपको आदर्श और महान बनाए। आपकी सफलता इससे नहीं नापी जाती है कि आपको कितना मिला, बल्कि इससे नापी जाती है कि आप कैसे बने हैं, आपकी जीवन पद्धति कैसी है तथा आप कैसा कर्म करते हैं। इस पक्ष को चिंतन में लाएं और परम सुख प्राप्त करें। सिद्धि और सफलता की देवी सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। अस्तु। जय गुरुदेव।